हेलो, तो क्या हालचाल, नाइस टू मीट यू इन ए न्यू वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस आज हम वापस से आ चुका हूं मैं माइनक्राफ्ट में, और आप लोग कह रहे होगे कि ये सब क्या है पार्कर भाई, इतनी पार्टी किस बात की, ये पार्टी नहीं हो रही है यहाँ पे। माइनक्राफ्ट ने मेरे को बुलाया है, माइनक्राफ्ट ने मेरे को बुलाया है, मतलब मोजंग ने कहा है। पार्कर भाई देखो, हमारी नई अपडेट आ चुकी है, आपको पता होगा एक नई अपडेट आई है ट्रिकी ट्रायल्स, जो कि आई है 13 जून को, लेकिन यहाँ पे मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ 15 जून को, ठीक है, थोड़ा 2 दिन लेट हूँ। लेकिन मोजंग वालों ने कहा है, झूठ बोल के लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है ये। हाय पार्कर भाई, हम लाए हैं एक डेडलीस्ट वेपन जिसका नाम है मेस। ये देखो मेरे हाथ में ये मेस, ठीक है, जिसे कोई भी बंदा वन हिट में, बंदा या फिर कोई भी मॉब पावर से पावरफुल, यहाँ तक कि वार्डन भी वन हिट में खत्म हो जाता है। तो उन्होंने बोला है तुम भी अपने फैंस या जो भी दोस्त हैं सभी को वीडियो डाल के बताओ कि हमारे पास आ चुका है डेडलीस्ट वेपन। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, लेकिन मैंने कहा मेरा भाई फाइट करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं सिंपल मॉब से नहीं करूँगा, ठीक है, चलो फिर मैंने बोला टेस्टिंग करूँगा मैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ धमाकेदार लोग हैं यहाँ पे। मैं लेके आया हूँ म्यूटेंट मॉब, जो ही म्यूटेंट एंडरमैन, म्यूटेंट विदर स्केलेटन, और ये म्यूटेंट पिगलिन, वार्डन स्पॉन करूँगा एक, और ये ब्रीज स्पॉन करूँगा, 5 चीज़ें स्पॉन करूँगा। और अगर इस वेपन ने उन 5ों को मार दिया तो फिर तो भाई ये वेपन एकदम ख़तरनाक है। साथ ही इससे जब मॉब को मारो कितनी भी ऊंचाई से, तो अगर मॉब मर गया मतलब उसको हिट हो गया तो मर ही जाएगा, और हिट हो गया यानी कि आपको बिल्कुल भी फॉल डैमेज नहीं जाएगा। तो हम टेस्टिंग करने वाले हैं इतनी ऊंचाई जो, देखो मेरे पीछे करीबन 50 से 60 ब्लॉक के आसपास की ऊंचाई है, तो चलो उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन करा एक नए मॉब को जिसका नाम है ब्रीज, और ये इसी अपडेट में आया। तो मैं आ गया हूँ सर्वाइवल में, और चलो भाई नीचे कूदते हैं, लेट्स गो। ओ भाई साहब, वन हिट, ठीक है वन हिट हो गया, ये देखो मिल गई है ब्रीज रॉड, और ये वन हिट हो गया भाई, ये ताकतवर तो था, लेकिन चलो अभी अपने पास और भी पावरफुल मॉब है, और मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अपने नेक्स्ट मॉब पे, जो कि होगा म्यूटेंट विदर, नहीं इसको पहले रखेंगे म्यूटेंट पिगलिन को, ठीक है चलो। तो मैं स्पॉन कर रहा हूँ यहाँ पर एक पिगलिन को, और एक पिगलिन स्पॉन किया, वो देखो गलती से बाहर स्पॉन हो गया, वो भाग रहा है, ठीक है, तो इसको स्पॉन कर दिया भाई, पूरी जगह घेर रहा है, ठीक है, तो इसको आज हम मारते हैं, बस ये निकल ना जाए, लेकिन है बहुत पावरफुल, ठीक है, तो इसको देखते हैं वन हिट आउट होता है या फिर नहीं। चलो वन हिट मरने का क्या समझे वीडू, वन हिट मरने का एकदम, चलो भाई मारते हैं इसको, ये भाई बच गया, वन हिट नहीं मरा है, ठीक है, पड़ी है उसको, बहुत डैमेज हुआ है एकदम, एक बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन वन हिट नहीं ख़त्म हुआ। तो एक और हिट ट्राई कर, एक और बार हिट करके इसको ट्राई करता हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट वालों देखा तुम्हारा मेस हमारे धुरंधर के सामने टिक नहीं पाया, ये भाई ख़त्म, दूसरा हिट में ख़त्म हुआ है, लेकिन आई थिंक अभी ख़त्म, हाँ नहीं हुआ। कैसा लगा मेरा मजाक? हम ख़त्म हुए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ख़त्म हुए हैं शायद, हाँ सही बात, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि ये वेपन ने हमारे धुलंधर के सामने घुटने टेक दिए, ठीक है, तो आ जाते हैं तीसरे मॉन्स्टर पे। पिगलिन ने चीज़ों को उनकी औकात दिखा दी है, अब बारी है अपने वार्डन की, जिसके बारे में तो मतलब बहुत ही मिथ्स है कि ये एक हिट में मर जाता है, तो आ जाओ देख लेते हैं क्या वन हिट में मर जाता है और क्या सच में इतना कमजोर है, ठीक है चलो। तो गाइस यहाँ पे मैं तरीका थोड़ा सा बदल रहा हूँ, अभी मैं जब मॉब को मार के ही दिखाना है तो सीधे ना इसके हेड के ऊपर से आओ और बहुत लंबा करके फिर ऐसे में करके गिरूँगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी नहीं जाएगा और आसानी से मैं उससे ज़्यादा ऊँचाई से भी मार लूँगा। ऐसे बहुत दिक्कत हो रही बार बार सर्वाइवल, बार बार क्रिएटिव जाने से, और ऐसे ये ओ भाई लगा इसको एक हिट लगा, लेकिन ये मरा नहीं, ठीक है, यानी कि वार्डन फुल हेल्थ का होगा, वो वन हिट में नहीं मरता है, कुछ भी कर लो भाई वो एक बार में नहीं मरेगा। गेम वालों ने जो मिथ फैलाई है वो काफ़ी मतलब अलग मिथ है, ठीक है, मान सकते हो, देखो ना, देखो मैं कितनी ज़्यादा ऊंचाई से जा रहा हूँ, अब अगर बहुत ऊंचाई से किसी मॉब को मारना तो इससे ज़्यादा ऊंचाई से शायद कोई किसी मॉब को मारे, ये देखो नहीं मरा अभी, ठीक है, तो इसी के साथ वार्डन एक तो हिट में नहीं मरता है, और अब हम करते हैं दूसरे मॉब पे। तो अब बारी है अपने म्यूटेंट विदर स्केलेटन की, और ये लो भाई आ गया भाई, पूरा फिट आ रहा है यार इसमें, इसकी लंबाई देखो भाई कुछ ज़्यादा ही लंबे नहीं, म्यूटेंट मॉब एक गलती से बाहर स्पॉन हो गया है, ठीक है, एक गलती से बाहर स्पॉन हो गया है, और इसको हिट कर रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट से भाई,
ये मरना तो चाहिए, वन हिट मरना चाहिए। ठीक है आ जाओ देखते हैं ये। अरे भाई ये तो नहीं मारा। अरे अगर अभी मैं सर इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, सर्वाइवल में होता तो एक ऐसा मारता है, कहता फिर आओ फिर बताता हूँ तुम्हें मैदान में हो। तो वन हिट में ये नहीं मारा, ठीक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉब्स हैं और ये वन हिट में नहीं मरने वाले। माइनक्राफ्ट वाले कह रहे होंगे पार करवाए धोखेबाजी है भाई, धोखेबाजी है, कलर रिव्यू दे हमारे लोगों को भाई। दूसरे हिट में ना इसका काम हुआ है लेकिन अभी मरा नहीं है, ये म्यूटेंट का पावर है ये देखो। ठीक है तो तीसरे या चौथे में मान सकता हूँ ये मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता है ना गाइस म्यूटेंट में हम मान लेंगे कि जब ये एक बार मर गया तो ही मर गया, क्योंकि एक बार मारने के बाद बंदे के पास मौका होता है निकलने का। और दो हिट में ही इसका मतलब म्यूटेंट जितने मॉब है उनकी दो दो फॉर्म्स होती हैं, तो इसकी पहली फॉर्म टूट जाती है ये दो हिट। तो अब लास्ट अपना मॉब है म्यूटेंट एंडरमैन और इसको देखते हैं इसकी पावर क्या है। ये देखो म्यूटेंट एंडरमैन कितना दुबला पतला इंसान है भाई, बहुत स्किनी मैन है वो, स्किनी ए स्किनी भाई कह रहा होगा अभी रुको अभी बताता हूँ तुमको। इसको आ जाओ भाई वन हिट करने का ट्राई करते हैं, मर जाएगा तो अच्छी बात है, अगर इसकी पहली फॉर्म भी ख़त्म हो गई, बहुत दुबला पतला इंसान है तो मैं हिसाब से ही मर जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से मार रहा हूँ भाई। ओ मरा अरे भाई यू क्या करे दे रहा, अरे भाई स्क्रीन पूरी घुमा दी ये देखो। अरे यार ठीक है मेरे को लग ही रहा था दुबला पतला इंसान है, मर गया एक बार में, अब इसने अपने बच्चे छोड़ दिए देखो, और ये सारे थोड़ी देर में अपने आप मर जाएंगे, यानी कि म्यूटेंट एंडरमैन मरता है। यानी कि हमारे पास टोटल पांच मॉब्स थे जिसमें से तीन म्यूटेंट, विदर स्केलेटन, वार्डन और एक और कोई कौन सा था भाई, वीडियो देखना पता चल जाएगा। तीन मॉब नहीं मरे वन हिट में और दो मॉब वन हिट में मर गए। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दबा के एकदम लाइक ठोक डालो, ठीक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो है। और इस वीडियो पे लाइक मतलब लाइक गोल रख देता हूँ 15 लाइक का, ठीक है 15 लाइक करवा देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी मस्त से मस्त वीडियो में, एकदम घातक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।